हमने अभी कुछ देर पहले रायवाला थाने के बाहर एक वीडियो बनाई थी, लाइव वीडियो बनाई थी, वो किस कारण से डिलीट हो गई है ये हमारे संज्ञान में नहीं आ रहा है। और उस संज्ञान को संज्ञान में लेते हुए हम आपको दोबारा स्क्रीन रिकॉर्डिंग से, जो हमने खबर को स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रखी है उसे दोबारा डाल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आंवला न्यूज़ के खिलाफ साजिश भी हो सकती है, इनके मीडिया सेल के द्वारा कोई ना कोई षड्यंत्र भी हो सकता है, जो कहीं ना कहीं हमें भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जैसे लड़की के पिता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए जो हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपके पास पेश कर रहे हैं, सामने पेश कर रहे हैं। आंवला न्यूज़ यूं ही अन्याय के खिलाफ लड़ता रहेगा, आप आंवला न्यूज़ पर यूं ही विश्वास बनाए रखें, क्योंकि वो वीडियो हमारे द्वारा नहीं, जाने किसके द्वारा वो डिलीट करवाई गई है, की गई है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते। लेकिन अब हमारी खबरों के साथ भी छेड़छाड़ करने की पूरी तैयारी, पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये हम आपको बता रहे हैं। और आप फिलहाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखिए और इनके षड्यंत्रों को भी संज्ञान में रखिए। यहाँ पे विपिन करणवाल की इतनी भद्दी टिप्पणी होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के सामने रायवाला चौकी में एक घंटे से हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए। पुलिस प्रशासन तरह तरह की अलग अलग बयानबाजी कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे अभी तक जीरो बट्टा जीरो। पुलिस जब तक मैं रोड में जाम लगाने की बात हो रही है, पुलिस प्रशासन उठा दे रही है। इससे पहले एम्स में जब अंकिता का शव को बाहर लाने की मांग हो रही थी, तब तक इन्होंने अंकिता के पापा को जाने पता नहीं पुलिस प्रशासन ने क्या पट्टी पढ़ाई, क्या लालच दिया, क्या उनको डराया धमकाया। उस दिन भी पुलिस ने ये लाठी डंडे चलाए और आज यहाँ पे उसके बाद विपिन करणवाल का ये भद्दी टिप्पणी आती है कि उसका बाप लाश को भी बेच रहा है। हम यहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि विपिन करणवाल का रायवाला के अंदर उसका भी रिजल्ट है, उसकी रिजल्ट की तलाशी हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके कनेक्शन, इनके पूरे तार जुड़े हुए हैं। इस राज्य को बनाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आज हम रो रहे हैं उस बेटी के लिए, उस अंकिता के लिए, कि उसके बाप का क्या फुटबॉल बनाया है सरकार ने। कभी इसको उसका बाप इस पुलिस चौकी में जाए, कभी उस पुलिस चौकी में जाए, कभी पटवारी के पास जाए। क्या हमने ये उत्तराखंड इसलिए बनाया था क्या? 5 मिनट हमारी बेटी घर पे नहीं आती, हमें कितना दर्द होता है। तो क्या ये लोग जिस तरह की बातें लिख रहे हैं, क्या इनके घर में माँ और बेटियां नहीं है क्या? तो मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दर्द में हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ और लगातार 8-9 दिनों से मैं रो रही हूँ। और मैं माफी चाहती हूँ अंकिता, हम आपको इंसाफ नहीं दिला पाए। ऐसे राक्षस और ऐसे भेड़िया इस उत्तराखंड में, इस देवभूमि में पैदा हो गए हैं कि मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, कुछ नहीं मैं कर पा। यहाँ हम उसकी गिरफ्तारी मांग रहे हैं। यहाँ पे जो जांच के अधिकारी बता रहे हैं मुझे कि उनका लग रहा है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। अगर उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, उसने कल टीवी चैनलों के सामने माफी क्यों मांगी? पुलिस प्रशासन गुमराह कर रही है। किसे कर रही है? उत्तराखंड की नारी को, उत्तराखंड की नारी को गुमराह कर रही है। जो अपना, जो हम हल लगा के बाहर निकलते हैं, ऐसी उत्तराखंड की नारी को गुमराह कर रही है पुलिस। हम उसकी गिरफ्तारी करवा के रहेंगे आज। उसे गिरफ्तार, मैं बोलती उसे रिमांड में लिया जाए। अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है, रिमांड में वो हाँ नहीं बोलता है, मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। कांड से सारी देव भूमि शर्मसार है। वहीं एक संघ के नेता लिख रहे हैं उस पिता के खिलाफ, उस परिवार के खिलाफ, कि उन्होंने अपनी बेटी को जो है राक्षसों के सुपुर्द कर दिया। उस परिवार के खिलाफ कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं और उसी आरोप के खिलाफ, उसी संवेदनहीनता के खिलाफ रायवाला में जनता जो है उनके खिलाफ लामबंद हो रखी है और पुलिस को ज्ञापन देने के लिए आ रखी है। हम लोग इस वक्त देवभूमि उत्तराखंड के रायवाला थाने में हैं और रायवाला थाने का आप ये हाल देख रहे होंगे, ये जनसैलाब देख रहे होंगे। ये जनसैलाब उसी संघ के नेता के खिलाफ है जो लिख रहा है कि आपने दूध रूपी कन्या को जो है भूखे बिल्लों के सामने रख दिया है। ये कहना है उस संघ के नेता का। और यहाँ पर ये जनता उसी
उसी संघ के नेता के खिलाफ यहाँ पर खड़ी हो रखी है और चाह रही है कि उस संघ के नेता जो विपिन कर्णवाल के नाम से जाने जाते हैं उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए ये जनता यहाँ पर आई है। मेरा नाम कमला नेगी है और मैं चाहती हूँ कि उस दोषियों को फांसी दी जाए, बस मेरा एक ही कहना है। और जो इस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो दूध है कच्चा दूध है अंकिता, और ये संघ के जो बेटे हैं वो भूखे बिल्ले हैं, इनके खिलाफ क्या चाहेंगी आप? फांसी। ये भी ये जो दोषी है ना उनको फांसी चाहिए। एक ही शब्द बोलूंगी, राजनीति नहीं चलेगी यहाँ राजनीति नहीं चलेगी। ये इस तरीके की यहाँ मात्र शक्तियों का कहना है, बड़ा दुख और बड़ा दर्द उन्हें हो रहा है कि एक तरफ तो अंकिता जैसी हत्याएं हो जाती है, उसे मिसिंग दिखाया जाता है, बड़े प्रयासों से मिलती है उसका शरीर और उस शरीर का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, कहीं ना कहीं शक है। और वहीं दूसरा संघ का नेता कहता है कि एक बाप ने एक दूध को भूखे बिल्ले के हाथ में छोंप दिया है। ये है इनकी सोच, जो सोच दिखा रही है समाज को कि हम लोग किस कदर गिर चुके हैं, और उस सोच को हम बता रहे हैं। इस मातृशक्ति से भी जानेंगे, क्या नाम है आपका? सीता पयाल सर। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कच्चा दूध है और इनके जो बेटे हैं ये भूखे बिल्ले हैं? जी, ये भूखे बिल्ले ही हैं सर। अगर ये टिप्पणी हमारी महिलाओं पे निकल रही है, अगर ये अभी तो उस अंकिता भंडारी की जो है अभी आग ठंडी भी नहीं हुई, और ऐसी ऐसी बातें ये जो बोल रहे हैं, इनको जल्दी से जल्दी एक घंटे के आधे घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तार करो यहाँ पे, नहीं तो सारी महिलाएं यहाँ रोड ब्लॉक कर देंगी और भूख हड़ताल पे बैठेंगे यहाँ पे, और उनके रिजॉर्ट पे जाके वो छापा मारो, बंद करवाओ, जो भी महिला शक्ति के लिए जांच करो और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करो, और पुलिस कर्मियों से मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी इसे गिरफ्तार करो। 24 घंटे 48 घंटे हो गए उस पोस्ट को लिखे हुए, माफीनामा भी किसी मीडिया में आ जाता है, लेकिन पुलिस 24 घंटे से जो शिकायत दर्ज है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ये जो दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि ये सारी व्यवस्थाएं जो है मिली हुई है उस आरोपी को बचाने के लिए, उस हत्या अंकिता हत्याकांड के आरोपियों को बचाने के लिए, उसके परिवार को बचाने के लिए। ये है कहना यहाँ के लोगों का। और भी हम लोगों से जानेंगे, आपका शुभ नाम क्या है? अरुण प्रकाश बडोनी। हाँ बडोनी जी, आप तो साहित्यकार भी हैं, ये साहित्य में देवभूमि में क्या ऐसी जो है, ऐसे जो महिषासुर पैदा हो गए, उनके सगे संबंधी पैदा हो गए जो इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं? जी बहुत ही गलत है, और ये समाज को एक बांटने की उनकी मनसा भी है साथ में, और जो शब्द उसने लिखे पोस्ट में विपिन कर्णवाल ने, मैंने कभी नहीं सुने और ना ही वो शब्द मुंह पे आते हैं। इस तरह की मानसिकता के लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, जो कि हमारी बोली वाली बेटी को प्रताड़ित करके कह रहा है कि यहाँ की बेटी दूध है, और हमारा जो डॉक्टर विनोद आर्य का बेटा वो जो है कच्चा, वो बिल्ला है, बिल्ला, वो दूध को जो है बिल्ले के सामने रख दिया बाप ने। सर वही मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे शब्द सुनने बोलने में कितने, मतलब समझ में नहीं आता कि किस मानसिकता के लोग इस आरएसएस में हैं। इन आरएसएस के लोगों को, इस तरह की मानसिकता के लोगों को आरएसएस को बाहर कर देना चाहिए, बीजेपी को बाहर करना चाहिए। वो अपने को बड़ी कन्या हितैषी पार्टी कहती है तो करे ना, इतने दिनों से लोग सड़कों पे हैं, फिर भी एक रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है। यहाँ पे पुलिस का काम जनता की सेवा करना है, अगर जनता की सेवा करना है तो जनता की जो मांग है उसको पूरी करो। सर ये जो है इनकी डबल सरकार की जो इंजन है, इसलिए कि सेंटर में तो ये वहाँ बैठे हैं, यहाँ हमारे उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, ये जैसा चाहे वैसा कर रहे हैं, ये लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। यानी कि आपकी बेटी को कच्चा दूध कहेंगे और अपने बेटों को जो है भूखा बिल्ला कहेंगे? एक तरफ इनका अभियान है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, है ना, उसके ऊपर जैसे हम अगर पढ़ाएंगे नहीं बच्चों को, पढ़ा के तो भारी तो जाएंगे काम करने। एक बहुत अच्छी बात कही है कि बोलते तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, और इनके नेता बोलते हैं वो बेटी जो है कच्चा दूध है, कच्चा दूध है वो इनके भूखे बिल्ले बच्चों के लिए। क्या कहेगा ये युवा, क्या सोचता है ये युवा? देखिए यहाँ पे तो उनको प्रोटेक्शन दे रखी है होटल में, और यहाँ पे जनता मर रही है उनके, और 4-5 थानों में लगातार उनके नाम का ज्ञापन सौंप दिया है गिरफ्तारी के लिए, पर अभी तक कहीं ना कहीं गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में है। आप बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली सरकार में ऐसा हो रहा है तो दूसरी सरकारों में क्या होता होगा? दूसरी सरकारों में तो क्या ही, जहाँ पे ये चल रहा है दूसरी सरकारों में क्या ही होगा, कुछ उसका बोल। हमारी बहनें जो है इनके लिए कच्चा दूध है। हाँ इनके लिए तो इनकी मानसिकता ऐसी, इनके तो लगी रहेगी वो है जी।
आप क्या बोलेंगी? आपकी माँ बहन को कच्चा दूध बोलते हैं और अपने बच्चों को भूखा बिल्ला बोलते हैं। यहाँ पे विपिन करणवाल की इतनी भद्दी टिप्पणी होने के बावजूद पुलिस प्रशासन के सामने रायवाला चौकी में एक घंटे से हम चिल्लाते चिल्लाते थक गए। पुलिस प्रशासन तरह तरह की अलग अलग बयानबाजी कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी के नाम पे अभी तक 0/0। पुलिस जब तक मैं रोड में जाम लगाने की बात हो रही है, पुलिस प्रशासन उठा दे रही है। इससे पहले एम्स में जब अंकिता का शव को बाहर लाने की मांग हो रही थी, तब तक इन्होंने अंकिता के पापा को जाने पता नहीं पुलिस प्रशासन ने क्या पट्टी पढ़ाई, क्या लालच दिया, क्या उनको डराया धमकाया। उस दिन भी पुलिस ने ये लाठी डंडे चलाए और आज यहाँ पे उसके बाद विपिन करणवाल का ये भद्दी टिप्पणी आती है कि उसका बाप लाश को भी बेच रहा है। हम यहाँ पे उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि विपिन करणवाल का रायवाला के अंदर उसका भी रिजल्ट है, उसकी रिजल्ट की तलाशी हो जानी चाहिए, क्योंकि इनके कनेक्शन, इनके पूरे तार जुड़े हुए हैं। यहाँ हम उसकी गिरफ्तारी मांग रहे हैं। यहाँ पे जो जांच के अधिकारी बता रहे हैं मुझे कि उनका लग रहा है कि उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है। अगर उनका फेसबुक अकाउंट हैक हुआ है, उसने कल टीवी चैनलों के सामने माफी क्यों मांगी? पुलिस प्रशासन गुमराह कर रही है। किसे कर रही है? उत्तराखंड की नारी को, उत्तराखंड की नारी को गुमराह कर रही है। जो अपना, जो हम हल लगा के बाहर निकलते हैं, ऐसी उत्तराखंड की नारी को गुमराह कर रही है पुलिस। हम उसकी गिरफ्तारी करवा के रहेंगे आज। उसे गिरफ्तार, मैं बोलती हूँ, उसे रिमांड में लिया जाए। अगर वो दोषी नहीं पाया जाता है, रिमांड में वो हाँ नहीं बोलता है, मैं उसकी जिम्मेदार हूँ। आपका कहने का मतलब है कि पुलिस बचाने के लिए कह रही है कि फेसबुक उसका अकाउंट हैक किया, यहाँ तक गिर गई है? बिल्कुल 100% पुलिस प्रशासन से बचा रही है। और उनका इरादा हमेशा जनता खड़ी नहीं होगी, हमेशा उनको कह रहे हैं। ज्यादा लोग यहाँ पे उपस्थित हो लाइव में, जल्दी से जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं उत्तराखंड ऋषिकेश रायवाला थाने में मौजूद हूँ। मैं आह्वान करती हूँ माता बहनों को, आज हमारी बारी थी, कल तुम्हारी बारी है। आ जाओ सड़कों में, उत्तराखंड के सम्मान में मैदान में उतर जाओ। पहाड़ की लाज बचाना चाहती हो, बाहर निकलो। इज्जत बचाना चाहती हो, अपने मान सम्मान पे ठेस बचाना चाहती हो, बाहर निकलो। हमने जब एम्स मॉर्चरी के बाहर खबर किए कर रहे थे तो एक बात बोली थी कि जब व्यवस्थाओं से जनता का मन उठ जाता है, बेमानी की बू आने लगती है, तो जनता सड़कों पर यूं ही उसी प्रकार आती है। जैसे एम्स मोर्चरी के बाहर बाहर आई है, उसी प्रकार यहाँ पर आई है। ये मातृशक्ति फिर एक बात और बोलना चाह रही है, बोलिए। मुझे कल बीजेपी में महिला मोर्चे में मैं थी, ऋषिकेश वीरभद्र मंडल में। मैं लगातार अंकिता के लिए न्याय मांग रही हूँ 19 तारीख से। क्या मैंने गलत किया? मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करती हूँ, ऋषिकेश के महिला मोर्चे पे एक्शन लिया जाए। उन्होंने मुझे कल निष्कासित किया है। क्या मैंने अंकिता के लिए न्याय मांगने की गुहार लगाई, गलत किया? ऋषिकेश में उत्तराखंड की बाहर से आई हुई युवती के साथ में रेलवे स्टेशन में बलात्कार हुआ, उसके लिए बीजेपी मोर्चा ने मेरे लिए 4-4 बार फोन किया, कहा कोतवाली ऋषिकेश का घेराव करना है। और जब अंकिता उत्तराखंड की लड़की के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, एक 19 साल की बच्ची ने क्या संदेश दिया पूरे उत्तराखंड की नारियों को? कितना बड़ा तमाचा मारा इन बड़े बड़े मोर्चों पे, कितना बड़ा तमाचा मारा उसने। इनको शर्म नहीं आ रही है क्या? कोई महिला मोर्चा मेरा ऋषिकेश का बाहर नहीं आया, और मैं केवल अकेली हूँ जो मैं उसको निष्कासित कर दिया। मैं महिला मोर्चे के अकेली हूँ जो मैं उस बीजेपी के मोर्चे से बाहर निकली। उस मोर्चे ने मुझे बाहर कर दिया कल। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या मेरा गुनाह है ये? नारियों का सम्मान बचाना मेरा गुनाह किया क्या मैंने? इनकी दलगत की राजनीति नहीं है, क्यों महिला मोर्चा यहाँ नहीं आ सकता है? उत्तराखंड की बाहर की नारियों के सम्मान में जब ये बाहर आ सकते हैं, उत्तराखंड की नारियों का सम्मान बचाने के लिए आगे क्यों नहीं आ सकती? ये देखिए, बीजेपी की असली पोल पट्टी खुल रही है कि अगर बीजेपी के नेता का पुत्र, अगर बीजेपी के नेता का पुत्र अगर यहाँ की लड़की के साथ अन्याय करता है, तो बीजेपी के तमाम नेता
महिला मोर्चा शांत रहेगी और जो बोलेगा उसे निष्कासित कर दिया जाएगा। इस महिला को जैसे निष्कासित किया है, अगर बीजेपी के नेता के खिलाफ यहाँ की लड़की के लिए न्याय मांगा जाएगा तो उस महिला को निष्कासित किया जाएगा। यानी कि मौन रहिए उस अन्याय के खिलाफ, उस बीजेपी नेता के पुत्र के कारनामों के खिलाफ, क्योंकि यही बीजेपी का जो असली दृश्य दिखाई दे रहा है, जो अब तक दिखाई दिया है, जिसके बारे में ये लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, उसके विपरीत दिखाई दे रहा है। और जो महिला लड़ रही है अंकिता के लिए, उसे अपनी महिला मोर्चा से हटा दिया जाता है। तो मोदी जी, क्या इसी के लिए आपको 2022 की सरकार बनने के लिए यहाँ न्योता यहाँ की जनता ने दिया था कि यहाँ की महिला अब आपके नेताओं के बच्चों का शोषण का शिकार बनेगी और यहाँ की महिला चुपचाप आपको देखती रहेगी कि आप कब उस न्याय की उम्मीद से उस महिला उस लड़की को न्याय दिलाएंगे और जो न्याय की बात करेगा। सर, एक यहाँ पे आरएसएस का एक कार्यकर्ता है, प्रचारक है, जिसने हमारी बहन अंकिता भंडारी के परिवार के खिलाफ अनाप शनाप बोला तथा हमारी बहन के लिए उनकी तुलना कच्चे दूध से की, तो ये पूरे उत्तराखंड पे कि माँ बहनों का उसने अपमान किया है। हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और 3 दिन से सरकार आंखें बंद किए हुए सोई पड़ी हुई है। पूरे उत्तराखंड में हर थाने में, हर चौकी में, हर राजस्व चौकी में लोगों ने इस व्यक्ति के खिलाफ तहरीर दी है, लेकिन आज तक इसके खिलाफ जो है मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ है। हम इसके विरोध में यहाँ पे आए हैं। आखिर क्या बात है इस व्यक्ति में? आखिर सरकार के ऊपर क्या दबाव है? इस व्यक्ति का ऐसा क्या प्रभाव है जो सरकार इस व्यक्ति के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं करी है? एक आम व्यक्ति अगर कोई छोटी सी कोई गलती कर देता है तो आधे घंटे में पुलिस उठा के ले लेती है उसे। 3 दिन हो गए, पूरे उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन चल रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। पुलिस वाले भी हाथ खड़े कर रहे कि हम अभी मुकदमा नहीं कर सकते दर्ज। इस बात के हम विरोध में आए, जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होता, उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होती, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। समाज में जो इस तरह से विद्वेष फैलाने वाले लोग हैं, उनको जो उपयुक्त जो धाराएं हैं उसमें तुरंत जो है उसमें कार्रवाई करते हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। मुझे नहीं लगता कि जो संस्था से आए हैं उस संस्था के संस्कार होंगे, मगर इस तरह की घटिया मानसिकता वाले हर जगह, और इसी के अंदर ऐसे घटिया मानसिकता के काफी लोग हो चुके हैं जो एक तरह से कोई मुद्दा भी, जैसे राजेंद्र गहलोत जी वाला और मुद्दे चले, उसमें जो है जानबूझकर के ऐसा माहौल बनाया गया। एक दिन पहले कोई समर्थन देता है, अगले दिन जो है वो विरोध करवा देता है, उसके बाद लोगों को फंसाने की तैयारी और लोगों को तरह तरह का जो है प्रताड़ना करने की तैयारी करता है। तो हम ऐसे लोगों का पूरा भरसक विरोध करते हैं। समाज में ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जहर घोलने का और द्वेष भावना भड़काने का काम कर रहे हैं। इनको जो है ये समाज में रहने लायक नहीं है, इनको जो है इनके जगह जो है जेल ही है। और हम यही बात हमने अभी इंस्पेक्टर साहब से भी कही तो उन्होंने कहा कि हम इसकी लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और हम इस पे जो है, क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, सब कुछ है, तो हमारे मन में भी वो चीज रहती है, प्रति जो है उस बच्ची के प्रति हमारे मन में भी संवेदना है। तो आशुतोष भाई, पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि उनका फेसबुक का अकाउंट हैक कर दिया गया था, जबकि वो खुद एक बड़े चैनल में माफी मांग रहे हैं अपने पोस्ट के लिए। बिल्कुल, अब ये दो तरह की बातें जो कहीं ना कहीं कंट्राडिक्ट बातें हैं। अगर वो माफी मांग रहा है तो उसका कहीं ना कहीं ये हैक नहीं हुआ। आईडी हैक होती तो पहले वो कंप्लेंट जाके करता। और इतनी गंदे शब्द मैं कह रहा हूँ, उसके भी एक पोस्ट में हमने जो लिखा था तो उसमें किसी ने, हमारे बंदे ने लिखा कि इसकी बेटी होती तो बता देता। मैंने, बेटी हमारी है, चाहे उसकी हो चाहे उसकी हो, क्योंकि हमारा तो एक कॉन्सेप्ट है कि पापी से घृणा करो, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मगर तुम इस तरह की अराजकता फैलाने के लिए, और मुझे जहां तक लगता है ये मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विकलांग है, इस तरह की बातें ऐसी घटिया मानसिकता के लोग कर सकते हैं और सामाजिक विद्वेष जो फैला रहे हैं उनका कड़ा विरोध है। वो किसी, आप क्या कहेंगे? डॉक्टर विनोद आर्य संघ से जुड़ा हुआ नेता है, अपने बच्चे को जो है 6 दिन से बचा रहा था, आखिरी दिन पता चला, आज भी कह रहा है मेरा बेटा जो है बेगुनाह है, मेरा बेटा सीधा साधा है। उस डॉक्टर विनोद आर्य के खिलाफ क्या कहेंगे आप? कानून के अनुसार जो भी कार्रवाई होती है ना, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी है, एक नजीर बननी चाहिए। क्योंकि एक बच्ची बेचारी, गरीब घर की बच्ची कहीं से आती है अपने माँ बाप को सहारा बनने के लिए, और वो कोशिश करती है कि अपने परिवार के लिए स्वावलंबी तरीके से जो एक जो है उनको कुछ अमाउंट भेज सके, उसके साथ ऐसी नृशंस हत्या हो जाती है, सारे तरह के अनैतिक कृत्य वहां चलते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को तो फांसी से कम सजा होनी नीचे, फांसी भी कम है। और ऐसा कोई भी सपोर्ट अगर वो करता है, वो मेरी पार्टी का और किसी पार्टी का, उसका सार्वजनिक रूप से हम विरोध करते हैं, विरोध करते हैं। विरोध हो रहा है उस सभी मानसिकता का जो ऐसे महिषासुर रूप की मानसिकता है, जो महिलाओं का सम्मान करने की बजाय उनका अपमान करती है, और किसी महिला के साथ अगर कुछ गलत हो जाता है तो उसको जो है कच्चा दूध कहा जाता है और अपने बच्चों को जो है भूखा बिल्ला कहा जाता है। क्या कहेंगे? हमारे साथ जगदीश कुलियाल जी हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, नरेंद्र नगर विधानसभा से हैं, वहां से यहां आए हैं उस विरोध को दर्ज करने के लिए, क्या कहेंगे आप?
मेरा सीधा सीधा ये कहना है कि ये जो आरएसएस की जो मानसिकता है, ये हमेशा मनुस्मृति वाली, महिलाओं को दूसरे दर्जे की समझने वाली, महिलाओं का शोषण करने वाली, महिलाओं को जूते के बराबर समझने वाली विचारधारा की सरकार यहाँ पर बैठी है। इसीलिए ये आरएसएस का मोहन भागवत और पुष्कर सिंह धामी और उनके ये खाकी वर्दी वाले लोग कभी भी एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे और आरएसएस के लोगों को बचाएंगे। इसके लिए सीधी सी बात यह है कि हम उत्तराखंड के लोगों को एकजुट होकर के, जैसे हमने उत्तराखंड का आंदोलन का संघर्ष किया है, उस ढंग से हमको अपनी अस्मिता को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये कहना है कुलियाल जी का कि ना ये सरकार चेतेगी, ना ये विरोध दर्ज कर विरोध के रूप में किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे, ना ये संघ के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। हमारे साथ वकील महोदय भी हैं, कंसवाल जी, श्रीराम कंसवाल जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इनका क्या कहना है? देखिए, इस अपराध की चर्चा पूरे देश और दुनिया में है। मैं पुलिस वालों से सहानुभूति है, क्योंकि पिछले 8 सालों में जितने भी अपराधी हैं वो 98% जो है वो आरएसएस से संबंधित है। इसलिए मोहन भागवत का आदेश है कि इनको गिरफ्तार न करें, इनके खिलाफ मुकदमा न दर्ज करें। मोहन भागवत सीधा डायरेक्ट नरेंद्र मोदी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। क्यों? मैं इनको भस्मासुरी राष्ट्रीय स्वयं सेवक कहता हूँ। भस्मासुरी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हिंदू धर्म का विरोधी है और हिंदू धर्म से इनका कुछ लेना देना नहीं है। ये जहर फैलाते हैं और ये जो है, ये जो विपिन ने ये जो पोस्ट डाली है, क्योंकि ये आरएसएस का बड़ा नेता है, इसलिए डाली है ताकि उत्तराखंड में जो बाकी आरएसएस के कार्यकर्ता हैं स्थानीय स्तर पर, वो जनता का साथ न दें और कोई पोस्ट डालें, इसलिए उससे डलवाई ये पोस्ट। ये जानबूझकर किया गया है, लेकिन मैं बता देता हूँ, मैं जनता से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि शांति से शांतिपूर्ण आंदोलन रखें और ये आंदोलन रुकने वाला नहीं। इनको 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 मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा और उसको जो है जेल भेजना पड़ेगा, ये निश्चित जानिए। ये तो रायवाला में है, कल मैं ऋषिकेश भी था, जहाँ जहाँ स्थानीय लोग आंदोलन करेंगे, मैं आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं करूँगा लेकिन शामिल होऊंगा, मैं उनके साथ शामिल होने आया हूँ और सभी तरह के मत करूँगा। ये बहुत ही बड़ा गुनाह है इनका। कंसवाल जी, जैसे आप वकील हैं और जिस प्रकार से मामला चल रहा अंकिता हत्याकांड वाला, आरोपी का पिता बचा रहा था 6 दिन से अपने आरोपी पुत्र को और उसके खिलाफ एक केस तक दर्ज नहीं होता, उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ नहीं की जाती, तो आपको लग रहा है कहीं ना कहीं पुलिस और सारी व्यवस्थाएं जो मिली हुई है आरोपी को बचाने के लिए? पुलिस मजबूर है, आरोपी का पिता ही नहीं, उसमें बहुत बड़ा वीआईपी है, कोई मंत्री है जिसका नाम सीबीआई से जांच होकर तक खुलेगा। और पुलिस तो बेचारी मजबूर है, मेरे भाई है उस सारे पुलिस वाले, उनकी अपनी नौकरी बचानी है, नौकरी बचानी है तो हाँ जी करना है। उनका निजी रूप से कोई दोष नहीं है, वो लेखपाल से लेकर सब दबाव में है और दबाव के कारण ही वो पुलकित के बापू और उनको नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि आरएसएस का है। इसमें सीधा सीधा मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी और उसका तड़ीपार शाह का हाथ है और देश को जानना चाहिए, जनता को जानना चाहिए, ये कोड़ है, ये आरएसएस जो है पूरे देश पर कोड़ है। इससे जितनी जल्दी हो शांतिपूर्ण तरीके से बैलेट की ताकत से इनको बाहर निकालें, शांतिपूर्ण प्रश्न से सारी संपत्तियां हमारी कोई संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचाएं। धन्यवाद। ये कंसवाल जी हैं जिनका साफ साफ कहना है कि बचाने का पूरा प्रयास इसलिए भी किया जा रहा है कि पुलिस मजबूर है, पुलिस को मजबूर किया गया है कि आप कोई प्रयास नहीं करेंगे आरोपी के खिलाफ कोई भी बड़ी कानूनी कार्रवाई करने के लिए, इसलिए सीबीआई को ये मामला दे देना चाहिए, क्योंकि मजबूरों के हाथों से कभी न्याय